हेलो गाइस, आज हम ये नेहा कक्कर स्टाइल ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसमें कुछ अलग नहीं होता है, प्रिंसेस कट में ही हम करेंगे। नीचे से जो कट है उसका हम शेप देंगे, किस तरह से किया जाता है वो आज हम देखेंगे। तो एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे इमेज भेजा है ब्लाउज का, तो इसी टाइप का ब्लाउज है, तो मैं उसके हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह कटिंग किया जाता है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। तो यहीं पर हम मार्किंग करेंगे शोल्डर का, और यहीं से लेंथ लेंगे, डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे, तो यहीं से हम चेक करेंगे। तो पहले देखिए हम लेंथ ले रहे हैं, तो इस तरह से लेंथ का निशान लगाना है। तो ये 13½ है, तो ये मुझे लगता है अंपायर लेंथ पे ख़त्म हो रहा है, यानी लोअर चेस्ट जो होता है उस पर ख़त्म हो रहा है, यानी अंडर बस्ट बोलते हैं वहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो ये लेंथ शॉर्ट है, तो ये ब्लाउज़ का शेप यहीं पर आएगा, लेकिन हम इसका सही लेंथ यहाँ पर कम है, तो 15 इंच कम से कम होना चाहिए, लेकिन हम इसको सही कर लेंगे। किस तरह करेंगे वो देखेंगे। और इस तरीके से मैंने शोल्डर का निशान लगाया, तो जितना शोल्डर था 14 इंच का, तो 7 इंच पर निशान लगाया और 3 इंच पर ब्रॉडिंग करके, और इस तरह से मैंने स्लोप दे दिया। अब देखिए डार्ट पॉइंट का हम सेंटर निकालेंगे, तो यहाँ पे 3.5 इंच पर निकालेंगे, कम से कम 3.5 पे बनता है ये 36 चेस्ट है, तो ठीक है, एक सूत कम ही लगाया मैंने तो उस हिसाब से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नीचे की तरफ वेस्ट के पास हम 0.25 इंच माइनस कर देंगे, और यहाँ पर सीधा देखिए कितना हमारा चेस्ट है, यहाँ से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे, ठीक है, 1.5 इंच ही माइनस करना है, ज़्यादा नहीं करना है। पहले से ये शोल्डर शॉर्ट है, तो उससे ज़्यादा नहीं करना है, और शोल्डर का जो भी आपको ब्रॉडिंग रखना है वो रख सकते हो, जितना भी रखना है आपकी मर्जी है। तो इस तरह से रख के अब क्या करेंगे, नेक को हम चेक करेंगे। तो नेक हमारा 8 पे है, तो 8 पे हम मार्किंग कर देंगे, और मार्किंग करने के बाद में हम शेप दे देंगे। जो जो भी शेप है आप इमेज देख रहे हो, तो उस हिसाब से हमको लगा लेना है। तो आप अपने हिसाब से जिस तरह से चाहिए बेहतरीन आप शेप लगा लो, तो मेरा अगर शेप अगर बेहतरीन नहीं है तो आप इससे भी बेहतरीन लगा लेना, ठीक है। तो इस तरह का कर लेना है। तो इस तरह करने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा नीचे 4 इंच तक आएंगे, और वहाँ पे हम क्या करेंगे वहीं से शेप देंगे प्रिंसेस कट का। तो ये प्रिंसेस कट में हम कटिंग करने वाले हैं, तो ये प्रिंसेस कट में ही ये बराबर मुझे लगता है किया हुआ है, तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। डार्ट्स में अगर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। शोल्डर को थोड़ा सीधा कर लेंगे, क्योंकि बहुत क्रॉस हो तो आप थोड़ा सा सीधा कर लो। यहाँ पे कभी भी जब लो नेक का कटिंग करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 सूत का ही ड्रेपिंग होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो नेक लूज रहेगा और शोल्डर पे टाइट रहेगा। और यहाँ पे आर्मोल पे हम 0.25 इंच का निशान लगा के डार्ट के लिए हम बढ़ा लेंगे आगे की तरफ, और जितना डार्ट का हमारा ये निशान है उतना ही आगे बढ़ा लेंगे, तो ये बराबर जब जो क्लोज करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब हम आर्मोल का लेंथ निकालेंगे, तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो आप कहीं भी लगाओ, लेकिन आर्मोल नापने में बराबर आना चाहिए। तो देखिए हमारा अपर चेस्ट 34½ है, तो उस हिसाब से उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जितना है जितना बनता है उतने पे ही लगाना है, उससे कहीं कम ज़्यादा नहीं लगाना। और यहाँ पे 0.5 इंच बढ़ा लेना है। क्यों हम बढ़ाना है, क्योंकि हम डार्ट लेंगे तो उसमें ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर भी आपको इस तरह से थोड़ा बढ़ के ही मिलेगा, और इस तरह घुमा के चेक करना है। आर्मोल अगर बड़ा है तो ऊपर करना है, छोटा है तो नीचे करना है, और नहीं बराबर है तो वहीं पे घुमा देना है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा मेरा छोटा हो रहा था, तो हल्का सा मैंने ऊपर करके बराबर कर लिया, तो इस तरीके से मेरा एकदम बराबर आ गया। तो इस तरह से बराबर कर लेना है, जो भी आर्मोल है उसके हिसाब से आना चाहिए। अब आर्मोल का हम शेप दे देंगे इस तरीके से। तो आर्मोल का शेप नहीं है, ये डार्ट का शेप है, तो डार्ट का शेप हम इस तरह से दे देंगे। इस तरह शेप देने के बाद में हम डार्ट निकालेंगे नीचे का। तो आप देखिए 1.5 इंच का फ़र्क है, 3 इंच का डार्ट कम से कम हमको निकालना है, और ऊपर हमने निकाला है 0.25 इंच का, लेकिन ये 0.25 इंच ऊपर दिख रहा है, लेकिन ये कम हो जाता है। आपको लगता होगा ये ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, परफेक्ट है ये। तो इस तरीके से करके और इस तरह शेप दे देना है। 3 इंच का मैंने डार्ट निकाला है वहाँ पर। अब जितना उधर का हमारा सीम है उतना ही इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमारा जो है दोनों जब ज्वाइंट करेंगे प्रिंसेस कट को तो बराबर मैच होना चाहिए, इसलिए हम उस तरफ का जो सेंटर पैनल का जो हमारा पार्ट है उसके हिसाब से इधर लाएंगे तो हो जाएगा। आप देखो ब्लाउज में कितना ऊपर से शेप है आप, और नेक उसका डीप है, तो ये हमारा नेक थोड़ा ऊपर है, तो आपको जहाँ भी चाहिए आप कर सकते हो। इतना शेप नहीं होता है, लेकिन मैं आपके हिसाब से लगा रहा हूँ। आपको कम चाहिए तो आप नीचे कर लेना, जितना सेम है उतना हम इधर लगा लेंगे, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमको करना ही करना है, तो ये ज़रूरी है इतना करना। अब हम एक सीधा निशान लगा लेंगे, जो भी हमारा स्ट्रेट निशान लगाएंगे ये वेस्ट का। अगर आपको ज़्यादा लो चाहिए, जैसा आपका ब्लाउज दिख रहा है, तो 1 इंच नीचे उतार दो आप। अगर ज़्यादा चाहिए तो जैसा आपका दिख रहा है ब्लाउज, साइड काफ़ी लंबा है तो लंबा चाहिए तो आप 1 इंच नीचे उतारो, 1.5 इंच भी उतारो, कोई मसला नहीं है। आपके ऊपर है कितना देना है, शेप को आपके हिसाब से देना है। ये ब्लाउज जो आप इमेज देख रहे हो इसमें काफ़ी उतरा है, ये इतना अच्छा खूबसूरत नहीं दिख रहा है।
तो मैं इसको थोड़ा कम करके आपको बताऊंगा बाद में कि खूबसूरती कैसे आएगी, ठीक है। तो ये मैंने एक इंच पे डाउन करके लगा लिया, सेंट जो भी हमारा वेस्ट का सीधा लाइन था वहाँ से, तो ये हमने बराबर कर लिया। वेस्ट भी मैंने यहीं पे नापा है, लेकिन वेस्ट आपका जो है जो नीचे का साइड है वहाँ पर आएगा, तो ये बराबर होगा। आपने नापा है तो अंडर बस्ट पर आपने अगर लिया है तो बराबर है, अगर नीचे लिया है तो बराबर नहीं है, ये गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप देख लेना कैसे करना है, तो आप चेक कर लेना कि कैसे नेक आपने वेस्ट नापा है, तो उस हिसाब से करना है आपको, क्योंकि मैंने जो लिया है ये अंडर बस्ट के हिसाब से सीधा वहाँ पे मैंने ले लिया है, ठीक है। तो आप देख लेना कि वेस्ट बराबर है या कम ज़्यादा है, अगर वेस्ट आपने नीचे लिया है तो अंडर बस्ट पे और बढ़ा लेना है आपको, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, कम नहीं रहता है। ज़्यादा किसका, कम किसका होता है, जिसका एजेड औरत होती है, जिसका उम्र ज़्यादा होता है उसका वहाँ पे कम होता है और वेस्ट पे आके ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो यंग लड़कियाँ होती हैं उनका वहाँ पे ज़्यादा होता है और वेस्ट पे कम होता है, तो इस तरह का शेप होता है। तो आप उस तरह से देख के लगा लेना। अब हम इस तरह कटिंग करने के बाद में डार्ट को क्लोज करेंगे, और क्लोज करके आर्मोल में कुछ भी दिक्कत है तो हम बराबर कर लेंगे। आपको अगर लगता है ठीक है तो छोड़ दीजिए, अगर लगता है कि ज़रा सा और मुझे कुछ छेड़छाड़ करना है तो कर दीजिए यहाँ पे, तो इस तरह से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करके कर लोगे तो बराबर एकदम हो जाएगा। और शोल्डर भी आप चेक करो कि ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी लो नेक के होते हैं उसको ज़्यादा डाउन नहीं किया जाता है, नहीं तो फिर वो बराबर नहीं दिखता है। इस तरह से डार्ट को मैं कटिंग करके निकाल दिया, अब नीचे के डार्ट को भी हम निकाल देंगे। तो इस तरह से रख के और शेप देंगे, तो अच्छी तरह से शेप दे के निकालना है, तो ये शेप बराबर होना चाहिए। तो शेप ये बराबर नहीं है, देखो कितना गड्ढा वहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेंगे, ये बराबर दिख रहा है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है नीचे की तरफ। तो मैंने बोला था कि आपको फोटो जैसा चाहिए तो इतना ही रखना, नहीं तो आधा इंच कैसे और कम कर दो, तो ये बराबर दिखेगा, बराबर होगा। और सेंटर का जो भी है वो काफ़ी हाई है, आप और चाहिए तो नीचे कर लेना, क्योंकि मैंने लगाया है आपके इमेज के हिसाब से तो ये काफ़ी ऊपर दिख रहा है, तो थोड़ा नीचे करके बनाओगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ आपको, जैसे करना है आप कर लेना। तो इस तरह से मैंने पैनल का भी प्रिंसेस निकाल लिया, बराबर हो गया। इस तरह से देखिए, मैं रख के दिखा देता हूँ एक बार और कि किस तरह का दिखता है। अगर अभी भी ये बराबर नहीं है तो थोड़ा और सेट करके कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग कर लेने से एकदम शेप में ला देना है, ताकि शेप एक क्लीन और अच्छा दिखाई दे। तो इस तरह से हो गया, आधा इंच काटने के बाद परफेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मिला के आपको दिखा रहे हैं और बैक कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कैसा दिख रहा है। अब हम बैक का कटिंग करेंगे, तो बैक को क्या करना है कि इस तरह से बराबर पे ही रखना है और बराबर पे ही कटिंग कर देना है, क्योंकि ये ज़्यादा लो नहीं है, 11 इंच का ही लो है। तो मैं इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आप बराबर पे भी रख सकते हो और थोड़ा माइनस करके चल सकते हो, ठीक है। तो हल्का सा माइनस देखो मैंने किया है, लेकिन और भी लो जाना है तो और भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से रख के हम बराबर करके इस तरह से थोड़ा खींच लेंगे। तो पिछले वीडियो में बताया था, अगर डार्ट वाला है तो आपको नहीं खींचना है, क्योंकि डार्ट जो है फैला हुआ होता है तो वो बराबर आता है। इसको भी अगर बराबर पे लगाना है तो डार्ट को ऐसे फैला के लगा दोगे तो बराबर ही होगा, या तो पौना इंच नीचे उतार दोगे तो भी हो जाएगा। इस तरह से मैंने लेंथ निकाल लिया है बैक का पूरा। तो आर्मोल को थोड़ा सा देखिए, मैंने साइड पैनल को डाउन करके इस तरह किया और उसका पैनल का जो साइड का जो भी साइड था उसका निकाल के बराबर कर लिया। अब हमारा अपर चेस्ट है, जितना है उतने पे ही लगाना है। अगर आपका बैग ज़्यादा डीप है, 12-13 इंच है, तो यहाँ पे माइनस पे चलना है, तब बराबर बैठता है अपर चेस्ट। और देखिए वेस्ट का मैंने जितना वेस्ट है उतने पे लगाया और पौना इंच का डार्ट लगा दिया है, तो इस तरह लगा लेना है। और लेंथ यहाँ पे देखो बराबर आएगा, तो ये लेंथ हमारा बैग का परफेक्ट है, मतलब कि जो लेंथ होना चाहिए वो है। लेकिन हम वहाँ पे शेप दिए थे, आपने जो 13 इंच दिया था वो बराबर नहीं था, वो अगर आपने अंपायर लेंथ का दिया है तो बराबर है, और नहीं तो इस तरह से ये लंबा हो जाएगा ब्लाउज, तो बैक से लंबा दिखाई देगा, फ्रंट से ऐसा शेप दे के बराबर कम दिखाई देगा। तो जैसा इमेज है वैसे ही दिखेगा, जैसा आपने मुझे फ़ोटो दिया है लगभग वैसे दिखेगा, उससे भी खूबसूरत दिखेगा। आप बना कर देखो, तो 11 इंच में देखो मैंने नेक का निशान लगा लिया, और हम यहाँ पे अब नेक को राउंड नेक देंगे, क्योंकि आपने राउंड नेक मुझे दिया है, तो इमेज देखिए किस तरह का है, तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्रॉडिंग आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, आपका भी बहुत ब्रॉड है तो मैं ब्रॉडिंग थोड़ा कम करके भी आप कर सकते हो और सेम भी कर सकते हो। तो आर्मोल का शेप इस तरह से लगा लेना है, सीधा आना है वहाँ से, फिर राउंड कर देना है, और यहाँ पे शोल्डर सीम को बराबर कर लेना है फ्रंट के पार्ट को रख के। तो इस तरह रखने के बाद में हम शेप दे देंगे राउंड नेक का। तो राउंड नेक हमको अपने हिसाब से अच्छी तरह से देना है, जैसा दे सकते हो, जितना खूबसूरत दे सकते हो उतना देना है। इस तरह देने के बाद में हमको अभी कटिंग कर लेना है, नहीं नीचे हमको पहले मार्किंग कर लेना है।
तो इस तरह से हमको क्या करना है, पहले मार्किंग कर लेंगे और शेप देंगे। तो शेप हमको जैसे बैग में है वैसा सेम टू सेम देने की कोशिश करेंगे कि कैसा आपका शेप है। तो देखिए आपका बहुत ही माइनर है, एक हुक लगा हुआ है, तो इस तरह से कर लो। और भी कम करना है तो और भी कम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का शेप देना है, लेकिन कटिंग इसमें नहीं करना है, इसमें हम चेंजिंग करेंगे। अगर आपका लो नेक जाता है इस तरह से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कम कर लेना है बैग को, ठीक है। तो यहाँ पे आधा इंच 5 इंच से कम कर लेना है। तो अगर 2 इंच लो जाते हो तो आधा इंच सीधा लो कर देना है, मतलब अंदर की तरफ ले लेना है। तो इसलिए मैं मार्किंग करके दिखाया कि आपका अगर ऊपर नीचे अगर गला होता है, कुछ भी चेंजिंग का इरादा है, तो आप कर सकते हो ऐसा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद में अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे जो नीचे का शेप है उसको किस तरह डार्ट के साथ लगाना है। तो डार्ट पे ऐसे कटिंग नहीं करना है जैसे मैंने मार्किंग किया है। तो ऐसा कटिंग करोगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा, शेप बिगड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लेना है, ये शोल्डर भी बराबर करना है, ज़्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए, 1 से 2 सूत का ही स्लोप होता है कोई भी डीप नेक ब्लाउज का जो शोल्डर होता है। आप शोल्डर पर भी ध्यान दिया करो ज़्यादा। अगर मैं कटिंग करके दिखाया भी हूँ अगर किसी वीडियो में, तो शायद मैं बताना भूल जाता हूँ, इसलिए आप इसको बता दे रहा हूँ कि आप लोग जो है मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करो कि ज़्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए। अब हम डार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह फोल्ड करके डार्ट को कटिंग कर लेना है, जितना मैंने 1/4 इंच बढ़ाया था उसके हिसाब से फोल्ड करके मैंने कटिंग कर लिया, तो ये बराबर हो गया। अब हम मीटो मीट ऐसा मैच करेंगे, तो नीचे का जो लाइन है उसको मैच करना है, ऊपर की लाइन को छोड़ देना है, ऊपर की लाइन जहाँ जा रहा है जाने दो। अब हम शेप देंगे असली शेप जहाँ पर होता है, इस तरह से शेप दे के हमको बराबर कर लेना है, तब ये बराबर होगा और बराबर मिलेगा। तो इस तरह से करके ही कटिंग करना है और बनाना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये परफेक्ट हो जाता है, छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये कटिंग मेरा एकदम हो गया, अभी परफेक्ट हो गया। अब देखो किस तरह का दिख रहा है। तो ये बहुत ही आसान कटिंग है, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान होता है ये सब कटिंग। आपको समझने का ही चक्कर होता है, एक बार इस कटिंग को आप समझ लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं रख के अभी आपको दिखा देता हूँ मेजरमेंट लेके। तो अपर चेस्ट और चेस्ट में क्या मतलब मैंने कटिंग किया और फुल बस्ट को मैंने नहीं नापा, लेकिन आप चेक करेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं क्रॉस फ्रंट का क्रॉस बैक का आपने मेजरमेंट दिया है, मैंने कहीं यूज़ नहीं किया, आपको यूज़ नहीं करना है। आपको बताऊं कि यूज़ करोगे तो फंस जाओगे, नहीं कटिंग कर पाओगे। तो देखिए 9 इंच आ रहा है, अपर चेस्ट का मैंने नापा है तो थोड़ा हल्का माइनस पे ही है, जितना भी है। आप देखो अगर ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए मैं मेजरमेंट फुल बस्ट का नहीं लेकर कटिंग करता हूँ, और क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक का भी मैंने नहीं लिया है, लेकिन इसको बना के देखिए बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो देखिए जितना हमारा है अपर चेस्ट उतना आ गया है, ठीक है। आपने लूजिंग का पूछा था, तो लूजिंग आपको क्या करना है कि अपर चेस्ट और चेस्ट के बीच का जो है उसी को अपर चेस्ट पे नाप के आप बना दो। खोल के ब्लाउज नापना, ऐसे मत नापना, यानी पूरा जो खोल के नापते हैं बिना हुक लगाए वैसे करना है। अभी हम फुल बस्ट को नाप के दिखा रहे हैं आपको, कि देखिए 9.5 हुआ है। अभी बैक को नाप के दिखाएंगे, ठीक है। तो जितना भी है अब नाप के दिखा रहा हूँ कि बराबर आ रहा है कि नहीं है। वेस्ट पे आप नीचे की तरफ वेस्ट नापोगे तो जितना वेस्ट लिया हो 1 इंच माइनस पे चलना, तब ये बराबर आएगा, क्योंकि ये शेप वाला है, ठीक है। तो ये 30 है, तो 29 पे हिसाब से आप नीचे का वेस्ट नाप के बनाना। देखिए 36 परफेक्ट आ गया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आप देख लो कितना परफेक्ट आया। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है आपको फुल बस्ट नापने का। मेरे कटिंग में बहुत सारे मेजरमेंट मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, फिर भी ये परफेक्ट आता है। तो इस तरीके को एक बार अपनाओगे और समझ जाओगे तो आपका ब्लाउज भी परफेक्ट बनेगा, आपका कटिंग भी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं अब रख के दिखा देता हूँ किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से रख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से कटिंग करो और मुझे ज़रूर बताओ कि आपको फिटिंग आया कि नहीं आया। चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़। Thank you.